तो वहीं डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट्स, लॉन्चर्स और जरूरी उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। पिनाक का मार्क टू वर्जन इतना जोरदार है जिसकी धमक भर से ही दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। ये पिनाक की टंकार है, टक्कर लेने की हिमाकत भी पाकिस्तान और चीन सोचे भी मत, क्योंकि पिनाक चलेगा तो फिर सोचने का मौका भी नहीं देगा। भारत ने पिनाक रॉकेट्स, लॉन्चर्स और जरूरी उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। पिनाक और मार्क टू वर्जन जिसकी धमक भर से ही दुश्मन के होश उड़ जाएंगे, उसकी आवाज अब कश्मीर से लेकर कैलाश के पार तक पहुंच गई है। पिनाक से पनाह मांगेगा पाकिस्तान, कांपेगा ड्रैगन। पिनाक असल में एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इससे सिर्फ 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। पिनाक की रेंज 37.5 किलोमीटर की है। पिनाक रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है जिससे सिर्फ 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट दागे जाते हैं। भारत के पास रॉकेट्स दागने के लिए ग्रैड नाम का रूसी सिस्टम हुआ करता था, ये अब भी इस्तेमाल होता है। इसके विकल्प के रूप में 1980 के दशक में डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। 1990 के आखिरी दौर में पिनाक मार्क 1 के सफल टेस्ट हुए और भारत ने करगिल युद्ध में इसका इस्तेमाल कर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। बाद में पिनाक की कई रेजिमेंट्स बन गई। दरअसल पिनाक सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं। एक बैटरी की ताकत यह है कि जिस भी इलाके में ये गिरेगा वहां 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। पिनाक रॉकेट का मार्क टू वर्जन एक गाइडेड मिसाइल की तरह बनाया गया है जिसे नेविगेशन कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम जोड़ा गया है। चीन का चमचा अखबार फिर से एक्टिव है। शांति का कबूतर उड़ाने वाले चीन ने एक बार फिर जंग की धमकी दी है। ये ऐसा अखबार है जो कभी झूठे प्रोपेगेंडा से डराता है तो कभी वीडियो से डराता है, लेकिन जंग के मैदान में नहीं आता है। चीन के सरकारी वोकू ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर एलएसी पर भारतीय फौज ने चीन की सेना पर फायरिंग की तो चीन भारतीय सेना को तबाह कर देगा। ड्रैगन के पिट्ठू अखबार की ये गीदड़ भभकी कोई नई नहीं है, वो रोज तमाशा करता है और रोज मुंह की खाता है। ड्रैगन एक ओर शांति की बात करता है, नो एक्शन एग्रीमेंट साइन करता है और दूसरी ओर वो सीमा पर तैनाती बढ़ाने के साथ साथ जंग की धमकी देता है। ग्लोबल टाइम्स की धमकी, एलएसी पर भारत को तबाह करने की धमकी, गोली चली तो जवाब देगा चीन, सीमा पर लगातार तैनाती बढ़ा रहा है चीन, एटमी मिसाइल और फाइटर प्लेन की तैनाती कर रहा है चीन। एलएसी पर भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। चीन के रट्टू तोते ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर भारत की ओर से गोली चली तो चीन पीछे नहीं हटेगा और जवाब देगा। ग्लोबल टाइम्स इस तरह की धमकी उस वक्त दे रहा है जब चीन और भारत के बीच नो एक्शन एग्रीमेंट हो चुका है, यानी दोनों ओर से हमले की कार्यवाही ना करने का वादा हुआ, लेकिन चीन का चमचा अखबार बार बार वार की धमकी दे रहा है। यही वजह है कि भारत दगाबाज चीन पर भरोसा नहीं कर रहा है। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान ने जब जब चीन पर भरोसा किया धोखा ही मिला है। 2005, 2012 और 2013 में ऐसे समझौते पर सहमति बनी थी, लेकिन चीन ने पलटवार कर हर बार धोखा दिया। इस बार भी हालात अलग नहीं दिख रहे हैं। भारत ने जिनपिंग और उनकी सेना से बिना लाग लपेट कह दिया है कि हमारे सैनिक खुद की सुरक्षा और पूर्वी लद्दाख में अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। भारत ने बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में चीन से कहा है कि अगर पैंगोंग या सीमावर्ती इलाकों में हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो भारतीय सैनिक गोलियां चलाने से तनिक भी नहीं हिचकेंगे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,